इटावा में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव कई दिनों बाद एक मंच पर नजर आए। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव ने विपक्ष पर बोला जमकर हमला। उन्होंने कहा कि 2024 में केंद्र से हो जाएगा भाजपा का खात्मा, बनेगी दूसरी सरकार, जनता सरकार के बहुत खिलाफ हो गई है। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 6 सालों में बीजेपी ने इटावा में एक ईंट तक नहीं लगाई है। भाजपा के लोग कहते हैं समय बहुत है, लेकिन हम समय को कम करना जानते हैं। दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यह तस्वीरें काफ़ी लंबे अरसे के बाद देखने को मिली। इटावा नगर पालिका की प्रत्याशी ज्योति गुप्ता के कार्यालय के उद्घाटन कर इटावा नगर परिषद का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव जीतना भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। इटावा की लोकसभा की सीट की जीत लिखा है। ज्योति गुप्ता तो काम करेगी, सचिन गुप्ता तो जानते ही हो सब कितना काम कराए। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष रहा तो इससे इटावा जनपद का विकास हुआ है। जब जब हम लोग सत्ता में रहे हैं तब तक कितना विकास हुआ है हम पूछना चाहते हैं। 6 सालों में कहीं पर भी काम हुआ हो सकता है? लूट हुई है, दलाली हुई है, परेशानी परेशानियां ही देने का काम किया है आपने। आप एक गांव का भी विकास नहीं कर सकते, एक मोहल्ले का भी विकास नहीं कर सकते। इटावा जनपद में उन्होंने अगर एक ईंट भी लगाई, एक कला मिट्टी भी जलवाई, केवल लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। जिनको हम लोगों ने नौकरी दी है उन्होंने नौकरियों को लेने का काम जरूर किया है, विकास का काम तो कुछ किया नहीं है। केवल दलाली बेईमानी कब्जा करना काम रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग धमकियां भी देना शुरू कर दिए। वो यहाँ तक कह देते हैं कि अभी समय लंबा है, तो हम उनको बताना भी चाहते हैं उस लंबे समय को हम कम करना भी चाहते हैं। सब लोग एक होकर के आज से ज्योति गुप्ता के लिए एक हो जाए। ये चेयरमैन होने लायक है कि नहीं? बहुत बढ़िया, संजू तो बेहतर बोलती। इसे जिताओगे तो इसके सर पे हाथ रखते हैं। शासन के बल पर सत्ताधारी दल गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इटावा में या इटावा जिले में कहीं भी प्रशासन की तरफ से कोई गड़बड़ी की जाए, मुझे कोई उम्मीद नहीं। अभी तक इस तरह की कोई सूचना भी नहीं। जब जमुना पे जाता है किसी की अंतिम यात्रा में आप जाते हो, वहां सबसे सही बात दिमाग में उस वक्त आती है जब किसी की चिता जलती देखता है, तब इधर उधर की बात नहीं आती। अब असलियत मालूम पड़ती है कि यही आना है किसी न किसी दिन, तब वो सही सोचता है, तो वहां सोचता है उसके अनुसार जो अमल करेगा वो सहकाली भवन। उनका स्वरूप बदला कि नहीं बदला? कितनी बातें बताए आप, सब किया संजू, जब संजू ने किया तो संजू की तुलना नहीं करेंगी। समय 27 का नहीं है, समय केवल 24 तक का है, समय 4-5 महीने का है, बस 24 तक कम हो जाएगा ये समय। जितनी बद इंतजामिया, जितना कानून का उल्लंघन, जितने मानवीय मूल्यों की का जो हनन हुआ है इस सरकार ने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और ये प्रॉपर ग्राउंड होगा जो दिल्ली में नई सरकार होगी उसके लिए इस सरकार को बर्खास्त करने पैदा कर रहे हैं कि संपूर्ण विपक्ष एक होकर चुनाव लड़े, और जिस दिन एक होकर चुनाव लड़ेगा उस दिन पता ही नहीं चलेगा। अभी तो जनता ये कहती है भाई कोई है ही नहीं सामने, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं। 77 तो 77 जैसी हालत हो जाएगी बीजेपी संपूर्ण उत्तर भारत में, दक्षिण में तो है ही नहीं, एक सीट नहीं जीतेगी केरला में,
एक सीट नहीं जीतेगी तमिलनाडु में, एक सीट नहीं जीतेगी तेलंगाना में, एक सीट नहीं जीतेगी आंध्रा में, एक सीट नहीं जीतेगी उड़ीसा में। कर्नाटक में आधे से ज्यादा सीटें थी तो एक आएगी नहीं जीत पाएगी, अभी सरकार गिर जाएगी या हार जाएगी। जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाए तो हारने तो वाली है ही। उत्तर प्रदेश में ही अगर हम लोगों ने विपक्ष ने कुल मिला के 60-70 सीटें जीत ली, बहुत आसान जीतना, बहुत आसान, तो कहीं ना हारे तो जीत जाए तो हम लोग जीते हरा देंगे बीजेपी। तो बिल्कुल सिपाल ने कहा कि हम टाइम कम करना भी जानते, टाइम कम होगा तो अभी नहीं।